स्किल टीचर देख रहे सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे वीडियो एडिटर के बारे में जो कि है बिल्कुल फ्री और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि एक वीडियो को एडिट करने के लिए ज़रूरी चाहिए होते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई यूट्यूबर एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करता है तो उसकी सबसे पहली ज़रूरत होती है कि उसे एक ऐसा वीडियो एडिटर मिल जाए जिसके अंदर सारे के सारे फीचर्स अवेलेबल हों, और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो फ्री में मिल जाए। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति नया यूट्यूब चैनल शुरू करता है तो वो कुछ किसी भी पेड सॉफ्टवेयर को खरीदने से डरता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि उसका यूट्यूब चैनल चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं आज आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूँ जो कि बिल्कुल फ्री में आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, और मैं के सभी फीचर्स के बारे में सिखाऊंगा कि उसके सॉफ्टवेयर के अंदर आपको वीडियो को कैसे एडिट करना है। तो ज़्यादा समय ना लेते हैं, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो एडिटर की बात कर रहा हूँ, उसका नाम है VSDC वीडियो एडिटर। तो चलिए उसको डाउनलोड करने के लिए हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं। यहाँ पर हमें टाइप करना होगा VSDC वीडियो एडिटर। तो चलिए ये देखिए VSDC फ्री वीडियो एडिटर, तो मैंने इस पर टाइप कर लिया। तो ये हमारे सामने कुछ लिंक ओपन हो गए। ये पहला जो लिंक है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आप देखिए ये जो एक पेज हमारे सामने ओपन हो गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 64 बिट वर्जन और यहाँ पर है 32 बिट वर्जन। तो आपका जो लैपटॉप या पीसी जो जिसको भी फॉर्मेट को सपोर्ट करता है उसको आपने यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इसको पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ 44 MB का है सॉफ्टवेयर। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इस वीडियो एडिटर के अंदर आपको काम करना है। तो चलिए दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है VSDC फ्री वीडियो एडिटर। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ओपन होने के बाद सबसे पहले आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी, इसको आपने क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है न्यू प्रोजेक्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपने किसी भी प्रोजेक्ट का नाम, जो भी आप वीडियो एडिट कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में वीडियो एडिट कर रहे हैं, उसका नाम लिख देना है। तो मैं यहाँ पर वीडियो एडिटर के बारे में टाइप कर देता हूँ। चलिए ये मैंने यहाँ पर इसका प्रोजेक्ट का नाम रख दिया, और आपने यहाँ पर फिनिश क्लिक कर देना है। इस तरह की आपके सामने एक विंडो एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अगर आप सबसे पहले काम है इस इंटरफेस के अंदर किसी वीडियो को इंपोर्ट करना, तो चलिए मैं एक वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसको इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पर एक छोटा सा नीचे आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। एक बटन बना हुआ है जिसका नाम है ऐड वीडियो, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। और अपने पीसी के अंदर से मैं एक वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने वीडियो सेलेक्ट कर ली, इसको ओपन कर लिया। ओके, तो दोस्तों अगर आप किसी प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक प्रीव्यू बटन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं आप, और आप देख सकते हैं कि ये प्रीव्यू जो है ओपन हो गया है। तो चलिए ये तो था दोस्तों प्रीव्यू देखने का प्रोसीजर। अगर हम इसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग करने चाहते हैं, सबसे पहली बात ये है कि अगर आप इसके साथ एक और वीडियो जोड़ना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, मान लीजिए आप अपने रिकॉर्डिंग को एक या दो पार्ट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, तो अगली वीडियो को यहाँ पर मर्ज करने के लिए इस जो ये जो आपको आइकन दिखाई दे रहा है, ये जो बार दिखाई दे रही है, इसको आपने वीडियो के एंड में ले आना है, और यहाँ पर एक इस बटन पर फिर से क्लिक कर देना है, और जो भी वीडियो आपने दूसरे नंबर पर लेकर आनी है उसको स्लाइड कर लेना है। यहाँ से आप वीडियो को स्लाइड कर सकते हैं। ये मैंने वीडियो को स्लाइड कर लिया और ओपन कर लिया, और जहाँ पर सिर्फ आपको ओके बटन पर क्लिक करना है और वीडियो जो है इंपोर्ट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से दो वीडियो जो है यहाँ पर इकट्ठी होगी। तो इसके बाद सबसे मेन काम ये है कि मान लीजिए आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम बहुत ही धीमी आवाज़ में आपसे बोला गया हो, यानी कि आपकी आवाज़ जो है वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा कम है, तो आपने जो अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज कैसे करना है, हाई वॉल्यूम को कैसे करना है, आपने वीडियो पर क्लिक कर देना है, जिस तरह से मैंने क्लिक कर लिया है। और राइट साइड पर आपको एक प्रॉपर्टीज विंडो दिखाई देगी, इसके आपने नीचे स्क्रॉल कर लेना है, सबसे नीचे चले जाना है। यहाँ पर है ऑडियो वॉल्यूम, तो इसको आपने बढ़ा देना है। अगर वीडियो के अंदर आपकी जो आवाज़ है बहुत ही ज़्यादा धीमी है, तो आपने उसको हाई वॉल्यूम में करने के लिए यहाँ पर इसको आवाज़ को बढ़ा देना है, तो आपकी वॉल्यूम जो है ज़्यादा हो जाएगी इसके अंदर।
तो इसके अलावा दूसरा काम जो आपने करना है, इसके अंदर मान लीजिए आपने वीडियो के किसी हिस्से को डिलीट करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपको एक बॉक्स मिलेगा ये वाला ऐसे, तो आपने जितने हिस्से को डिलीट करना है, मान लीजिए आपने 30 सेकंड से लेकर, ये आप ऊपर देखिए टाइमलाइन बनी हुई है, तो 30 सेकंड से लेकर मान लीजिए 50 सेकंड तक आपने वीडियो को डिलीट करना है, तो इतनी वीडियो को आपने सेलेक्ट कर लिया और जिस वीडियो को डिलीट करना है उस वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर दो वीडियो है, एक वीडियो यहाँ पर है, एक वीडियो यहाँ पर है, तो आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर इतना जो एरिया है, इतना जो डिलीट हो जाएगा हिस्सा, कैसे होगा डिलीट, उसके लिए आपको इस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो इतना जो हिस्सा है ये जो डिलीट हो जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो काम है, मान लीजिए आप अपने वीडियो के अंदर बैकग्राउंड में म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं, तो जहाँ से आप म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं आपने इस बटन को यहाँ पर ले आना है। मान लीजिए मैं इस लोकेशन से म्यूज़िक को ऐड करना चाहता हूँ, तो लेफ्ट साइड पर यहाँ पर आपको एक ऐड साउंड का बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर जिस भी लोकेशन पर आपने जो है अपने म्यूज़िक को रखा है उसको आप कैप्चर कर सकते हैं। तो मैं इसको कैप्चर कर लेता हूँ, तो ये देखिए इस लोकेशन पर मैंने कुछ सॉन्ग बैकग्राउंड म्यूज़िक रखा हुआ है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पर सिर्फ आपको ओके बटन पर क्लिक करना है और ये देखिए म्यूज़िक जो है ऐड हो गया। तो इस म्यूज़िक की लेंथ को आप कम कर सकते हैं इस तरह से, तो मैं चाहता हूँ इतने एरिया में ही ये जो म्यूज़िक चले। तो अब इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं प्रीव्यू। तो अगर मान लीजिए ये जो म्यूज़िक है, ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, तो आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड म्यूज़िक को आप उसकी वॉल्यूम को कम करना चाहते हैं, तो सिंपल आपने इस म्यूज़िक पर क्लिक कर देना है और फिर से राइट साइड पर प्रॉपर्टीज विंडो में जाना है, सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ से वॉल्यूम को आपने कम कर देना है। ये देखिए इस तरह से कम कर देंगे तो ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक की वॉल्यूम कम हो जाएगी, आपकी आवाज़ जो है ज़्यादा हो जाएगी और आपकी आवाज़ क्लियर सुनाई देगी। तो इसके बाद दोस्तों मान लीजिए आपने किसी वीडियो को रिकॉर्ड किया है अपने मोबाइल पर या फिर अपने कंप्यूटर पर और उसको आप रोटेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऊपर बटन बने हुए हैं, उसको आप रोटेट कर सकते हैं वीडियो को। इसके अलावा अगर आप अपनी वीडियो के अंदर किसी तरह का इफेक्ट देना चाहते हैं तो वीडियो इफेक्ट, यहाँ पर एक बटन बना हुआ है वीडियो इफेक्ट, इसके अंदर बहुत सारे वीडियो इफेक्ट हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि इस वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोजेक्ट पर आपने क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आपको लास्ट में आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट का बटन दिखाई देगा, इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए। जिस भी लोकेशन पर आपने सेव करना है यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं, मान लीजिए डेस्कटॉप पर सेव करना है तो डेस्कटॉप पर क्लिक करके सेव कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस फॉर्मेट के लिए आप इस वीडियो को एडिट कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं फॉर PC या फिर मोबाइल के लिए या फिर आप किस डिवाइस पर इसको देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर PC कर देता हूँ क्योंकि इसके अंदर हाई रेजोल्यूशन की वीडियो एक्सपोर्ट होगी। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा है एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट, इस बटन पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर नीचे कंटिन्यू का बटन होगा, तो इस बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे ये जो सारी की सारी वीडियो आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए स्किल टीचर, नमस्कार।